हेलो डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। और हमेशा की तरह आज भी आप सभी ने थंबनेल देख लिया होगा और थंबनेल देखकर ही वीडियो में जुड़ चुके होंगे। तो बिल्कुल आप करेक्ट वीडियो में जुड़ चुके हैं। और यदि आप भी 2025 यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं और यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन पे आपका टारगेट 100 ऑफ 100 मार्क्स पाने का है, तो आप एकदम करेक्ट वीडियो पर जुड़ चुके हैं, क्योंकि हम लगातार चैप्टर वाइज सॉल्यूशन प्राप्त करवा रहे हैं सभी बच्चों को, और उनकी तैयारी को आसान जितना हो सकता हमसे पॉसिबल उतना आसान करने की कोशिश कर रहे हैं। और जो आज आप चैप्टर 8 देख रहे हैं, इसके पहले भी हमने सभी 7ों चैप्टरों का भी सॉल्यूशन करा दिया है, जिसको आप डिस्क्रिप्शन पर जाकर देख सकते हैं। और ये वीडियो हमारे 14 दिन की टारगेट वीडियो है, और 14 वीडियोस 14 दिन में कंप्लीट क्लास 10th की मैथमेटिक्स पूरी करा दी जाएगी। और यदि आप भी कम समय पे अच्छी तैयारी करना चाहते हैं, तो आप एकदम राइट वीडियो में जुड़ चुके हैं और वीडियोस को देखिए। वीडियोस अगर आपको पसंद आती हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देना और अपने दोस्तों तक इस वीडियो को फैला देना, ठीक है बच्चों। तो आज जैसा कि आप सभी ने थंबनेल पर देखा होगा कि आज हम यूपी बोर्ड एग्जामिनेशन 2025 को टारगेट करते हुए चैप्टर 8 त्रिकोणमिति परिचय, 2024 में पूछे गए प्रश्नों का संग्रह, साथ ही साथ इसमें कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन स्वयं से ऐड किए हुए कर दिए मैंने, क्योंकि एक्सपेक्टेड कुछ क्वेश्चन है जो आपके 2025 एग्जामिनेशन पर पूछे जा सकते हैं, तो उनको मैंने ऐड कर रखा है पीडीएफ में। आप देखेंगे टॉप 37 क्वेश्चनों का सॉल्यूशन करेंगे। अब आप ये मत सोचिए सर इतने सारे, तो इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारे, लगभग 20 ऑब्जेक्टिव में छोटे छोटे से क्वेश्चन है। क्लास 10th मैथमेटिक्स और कंप्लीट चैप्टर इन 1 वीडियो में आप कंप्लीट देख सकते हैं, ठीक है बच्चों। अब आप देखिए त्रिकोणमिति परिचय चैप्टर 8 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज चल रही है, जिसका सबसे पहला क्वेश्चन है ये sin 27 डिग्री बटे cos 63 डिग्री, ठीक है। इसमें कुछ ऐसे फॉर्मूले लगे हैं जो आपके सिलेबस में अब नहीं है। sin 27 को लिखने का जो तरीका है उसको लिखेंगे हम 90 माइनस का 63, आप 90 में से 63 घटाइए 27 ही बचेगा, और cos 63, ठीक है, और sin 90 माइनस थीटा बराबर जो हो जाता होता है cos थीटा हो जाता है, ठीक है। तो cos 63 ऊपर भी cos 63 और नीचे भी cos 63, ठीक है। काटने के बाद केवल एक आंसर बचेगा, तो याद रखना अगर भाग के रूप में इस तरीके के आपको सवाल नजर आते हैं तो हमेशा उसका एक आंसर आता है, ठीक है, हमेशा आंसर कितना आता है एक। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा जैसा कि कह रहा है यदि cos ए बराबर √3/2, ठीक है, cos ए बराबर कितना दे रहा है √3/2, ठीक है। तो cos a बराबर जो है √3/2, तो sin 2a का मान पूछ रहा है। यार एक बात बताइए, cos में √3/2 कितने डिग्री का मान होता है, ये cos 30 का होता है, a बराबर कितना हो जाएगा 30 डिग्री, ठीक है। अब पूछा sin 2a का मान कितना हो जाएगा, तो sin 2a की जगह 30, तो sin 60, और sin 60 का मान जो हो जाएगा वो हो जाएगा √3/2, कितना हो जाएगा √3/2, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगले ऑप्शन की तरफ चलते, मैंने बोला ना ऑब्जेक्टिव सबसे ज्यादा इसमें है। इसके बाद देखेंगे अगला ऑब्जेक्टिव जो दे रहा हमारा, कह रहा 1 + tan² है, कितना लिखा हुआ 1 + tan² है, और 1 + cot² है। 1 + tan² है बच्चा होता है sec² हो जाएगा, 1 + cot² हो जाएगा cosec² a, cosec ऊपर जाएगा तो sin² a हो जाएगा, और sec² नीचे आएगा तो cos² a हो जाएगा, sin/cos हमारा हो जाएगा tan² a। तो ऑप्शन हमारा कौन सा करेक्ट हो जाएगा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, तो अगला क्वेश्चन हमारा क्या होगा, sin 2a = 2sin a। मैंने आपको पहले भी बोला इसमें ऑब्जेक्टिव बहुत सारे हैं, तो आपको घबराने की जरूरत नहीं कि 37 क्वेश्चन बहुत सारे, तो बिल्कुल नहीं है, ऑब्जेक्टिव है छोटे छोटे से क्वेश्चन। अब यहाँ पर लिखा है sin 2a = 2sin a, अब कब बराबर होगा, ऑप्शन के अकॉर्डिंग अगर एक ही जगह 0 ले लें, यानी कि 2 एक ही जगह 0, ठीक है, 2 sin a की जगह पे 0, क्योंकि ये हो गया sin 0 और ये हो गया 2 sin 0, और sin 0 का मान कितना होता है 0, 2 into 0, 0 = 0,
दोनों आपस में बराबर, यानी कि करेक्ट ऑप्शन ए 0 डिग्री। ए का मान कितना हो जाएगा? 0 डिग्री हो जाएगा। इसके बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा आपका कॉस थीटा बराबर, कितना दे रहा है? कॉस थीटा बराबर 15/17, ठीक है। तो साइन थीटा का मान पूछ रहा है, कॉस थीटा बराबर 15/17, लाल बटे कक्का से कितना हो जाएगा? आधार बटे कर्ण हो जाएगा। तो ए बराबर हो जाएगा बच्चे 15, और कर्ण बराबर हो जाएगा 17। फॉर्मूला क्या होता है? कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर हो जाएगा। कर्ण हो जाएगा 17 का स्क्वायर, आधार हो जाएगा 15 का स्क्वायर, और लंब हमें चाहिए 289, और 215 का स्क्वायर होता है 225 प्लस लंब का स्क्वायर। तो 289 माइनस का 225 बराबर हो जाएगा लंब का स्क्वायर। अब ये बचेगा 9 में से 5 जाएगा तो 4 बचेगा, 28 में से 22 जाएगा तो 6 बच जाएगा, यानी कि 64 बराबर लंब का स्क्वायर बचेगा। इसके बाद लंब बराबर जो हमारा हो जाएगा √64 हो जाएगा, तो लंब बराबर जो हो जाएगा 8 हो जाएगा। अब पूछा है साइन थीटा, साइन थीटा बराबर बच्चे होता है लंब बटे कर्ण, लाल बटे कक्का से। लंब है 8 और कर्ण कितना है? 17। तो 8/17 करेक्ट आंसर आ जाएगा, साइन थीटा बराबर 8/17 करेक्ट आंसर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर? अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चनों पे चलते हैं। 16 नंबर 17 नंबर दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर जो लिखा हुआ है, ठीक है, ये जो 16 नंबर में लिखा हुआ है, ये लिखा है 2 sin 30 डिग्री और (cos 30 डिग्री). अब मान याद होना चाहिए साइन 30 का 1/2 होता है, कॉस 30 का होता है √3/2, 2 से 2 कट गया, बचेगा √3/2, करेक्ट आंसर। ठीक है, ये रहा डी नंबर। इसके बाद 17 नंबर देखेंगे, साइन थीटा बराबर जो लिखा हुआ वो लिखा हुआ 3/4, तो टेन थीटा का मान पूछा है कितना हो जाएगा। तो लाल बटे कक्कस है, साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण 3/4, लंब बराबर 3 और कर्ण बराबर 4। पाइथागोरस प्रमेय से सॉल्व करेंगे, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और कर्ण चूंकि हमारा 4 का स्क्वायर, आधार हमें ज्ञात करना है, लंब हमारा 3 का स्क्वायर, 16 बराबर आधार का स्क्वायर और ये 9, ठीक है, 16 माइनस 9 बराबर आधार का स्क्वायर। 16 में से 9 जाएगा तो कितना बच जाएगा? 7 बच जाएगा आधार का स्क्वायर, आधार बराबर जो वर्ग घटेगा तो √7 हो जाएगा। अब टेन थीटा बराबर चाहिए, टेन थीटा बराबर होता है लंब बटे आधार, ठीक है। अब लंब कितना है? लंब कितना है? 3, और आधार कितना है? √7, तो 3/√7 करेक्ट आंसर हो जाएगा, 3/√7 करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऐसे ही बहुत सारे ऑब्जेक्टिव है इसमें। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या है? ये 18 नंबर, चलिए 18 नंबर जो लिखा हुआ है क्वेश्चन पे, ठीक है। अब इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन अगर करते हैं तो लिखा हुआ है कौशक ए, ठीक है, जो 18 नंबर पे लिखा हुआ है कौशक ए प्लस का कॉट है, ठीक है, और कोष्टक के अंदर लिखा 1 माइनस का कॉस है, ठीक है। अब कॉसेक ए को लिख देंगे 1/sin a लिख देंगे, और कॉट को लिख देंगे cos a/sin a, ठीक है। और इसके बाद जो अगला पार्ट लिखा हुआ है 1 माइनस का कॉस है, हरों का लासा साइन ए हो जाएगा, ठीक है, आंसर आपस में जुड़ जाएंगे 1+ का कॉस है, ठीक है, और ये ऑलरेडी लिखा हुआ है 1 माइनस कॉस है। एक बार प्लस में एक बार माइनस में होता है, तो 1 का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर / साइन है, ठीक है, बात क्लियर। 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, 1 माइनस कॉस स्क्वायर है बटे साइन है। 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक ही जगह पे कितना रख सकते हैं? साइन स्क्वायर है, फॉर्मूला ही होता है ना, बटे साइन है। अब साइन से एक साइन काट देंगे तो केवल साइन है बचेगा, केवल क्या बचेगा? केवल साइन है बचेगा, यानी ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। इसके बाद 19वां नंबर जो इसमें लिखा हुआ है 1 माइनस का tan² a / 1 माइनस cot² a, क्योंकि फार्मूला होता है sec² a बराबर 1+ का tan² a, ठीक है, और cosec² a बराबर होता 1+ का cot² a, लेकिन माइनस के रूप में आ रहा, तो आप कैसे करेंगे इसको, तो ये भी समझना पड़ेगा। तो किस तरीके से करेंगे, तो ये समझिए, 1 माइनस tan² है, इसका सॉल्यूशन करना पड़ेगा। किस तरीके से करेंगे? ये तो फॉर्मूले लगने नहीं वाले, आप पहली बात तो दिमाग पे लगा लो, ये फॉर्मूले लगने नहीं है, तो क्या करेंगे? tan की जगह लिख देंगे sin² /
कॉस स्क्वायर, ये वाला फॉर्मूला लगेगा। और इसके बाद कॉस की जगह पे कॉस स्क्वायर बटे साइन स्क्वायर है, ठीक है, बटे में एक लेके हारों का लासा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा माइनस का साइन स्क्वायर ए बटे कितना रहेगा कॉस स्क्वायर ए, इसके बटे में हारों का लासा साइन स्क्वायर ए हो जाएगा, इधर जाएगा साइन स्क्वायर ए और माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। मैं आपको फटाफट स्पीड से करा रहा हूँ सॉल्यूशन जितने भी करा रहा हूँ। अब इसके बाद ऊपर जाके पलट जाएगा, इसमें माइनस का चिन्ह ले लो तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए, ठीक है। और स्पेस चाहिए इसके लिए हमें, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ तो क्या करते हैं, सबसे पहली चीज़ यहाँ पर माइनस का चिन्ह लेते हैं तो साइन स्क्वायर ए प्लस का हो जाएगा और कॉस स्क्वायर ए माइनस का हो जाएगा, ठीक है। और बटे में कितना लिखा हुआ है कॉस स्क्वायर ए, और यहाँ पर कितना लिखा हुआ है साइन स्क्वायर ए माइनस का कॉस स्क्वायर ए बटे साइन स्क्वायर ए, ठीक है। ये ऊपर के दोनों पार्ट कट जाएंगे तो माइनस का एक बटे कॉस स्क्वायर ए और एक बटे साइन स्क्वायर ऊपर जाएगा तो साइन स्क्वायर ए बटे वन, साइन स्क्वायर ए बटे कॉस स्क्वायर ए माइनस का चिन्ह तो रहेगा तो टेन स्क्वायर ए हो जाएगा। इस हिसाब से ये आंसर हो जाएगा वन माइनस टेन स्क्वायर ए, यानी ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बच्चों। त्रिकोणमिति में केवल और केवल मैन आपका जो रोल है वो है फॉर्मूलों का। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अब ये सिद्ध करने वाला है। सिद्ध करने वाले क्वेश्चनों पे क्या करते हैं, कभी कभी दोनों पार्ट सॉल्व करना पड़ता है, कभी कभी सिंगल पार्ट से ही सॉल्व हो जाता है। अब इस तरीके से करते हैं, एल एच एस लेते हैं, ठीक है, वन प्लस शेक है बटे सेक है, ठीक है। अब एक बटे कॉस लिख दीजिए, जब सॉल्यूशन करना पड़ता है ना साइन कॉस में ही बदला जाता है, और ये बटे में केवल एक बटे कॉस हो जाएगा। अब ये कॉस है प्लस वन, सॉल्व करने के बाद कॉस है प्लस वन बटे कॉस है और बटे में वन अपॉन कॉस है, ठीक है। कॉस से कॉस कट गया तो यहाँ पर कुल मिला के बचेगा केवल कितना कॉस ए प्लस का वन, या फिर लिख सकते वन प्लस का कॉस से बच जाएगा, ठीक है। इसके बाद ये एल एच एस रहा, इसके बाद आर एच एस सॉल्व करते हैं तो कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए बटे वन माइनस का कॉस है, ठीक है। साइन स्क्वायर की जगह लिख सकते हैं वन माइनस कॉस स्क्वायर ए बटे वन माइनस कॉस है, एक बार प्लस में एक बार माइनस में आएगा, एक बार प्लस में यानी वन प्लस का कॉस है और वन माइनस का कॉस है, ठीक है। इसको स्क्वायर लिख सकते हैं ना वन का और बटे वन माइनस का कॉस है, ये कैंसिल हो जाएगा तो वन प्लस का कॉस है, देख सकते हो ये रहा एल एच एस ये रहा आर एच एस, तो क्या लिख देंगे अतः एल एच एस बराबर आर एच एस, ठीक है, ये सिद्ध हो गया, बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं और अगला क्वेश्चन किस तरीके से करेंगे उसको भी समझते हैं। ये रहे सारे क्वेश्चन, मैंने इस तरफ सारे लिख लिए थे क्वेश्चन, ठीक है। अब इसमें जो 11 नंबर में लिखा साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, ये जो 11 नंबर लिखा हो, देखिए साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, साइन और कॉस तभी बराबर होते हैं 45 डिग्री पर, यानी कि थीटा का मान कितना होगा 45 डिग्री, क्योंकि साइन 45 का जो मान होता है वो होता है एक बटे रूट दो, और कॉस 45 का जो मान होता है वो भी एक बटे रूट दो होता। जब ये दोनों बराबर होते हैं तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 45 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद अगला नंबर जो 12 नंबर इसमें लिखा है साइन 15 बटे कॉस 15, कितना लिखा हुआ साइन 15 बटे कॉस 15 कॉस 75, ठीक है। तो साइन 15 को हम कितना लिख सकते हैं 90 माइनस 75, 90 में से 75 घटाइए 15 ही बचेगा, और ये कॉस 75, और चूंकि फॉर्मूला होता है साइन 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है कॉस थीटा, कितना होता है कॉस थीटा, तो ऊपर कितना हो जाएगा कॉस 75 बटे कॉस 75, ठीक है, कटने के बाद एक आंसर बचेगा, तो इसका करेक्ट आंसर एक आ जाएगा। इसके बाद 13वां नंबर कह रहा है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा बराबर जीरो, तो थीटा का मान पूछा है तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, और जब साइन थीटा कॉस थीटा बराबर तो साइन थीटा बटे में लिख लो कॉस थीटा बराबर एक बचेगा, है ना, साइन थीटा बटे कॉस थीटा, टेन थीटा बराबर एक। अब टेन में जो एक मान होता है वो किसका होता है टेन 45 का, तो थीटा बराबर 45, तो पहले भी इसको सवाल को किया, यहाँ से भी कर सकते थे क्योंकि साइन थीटा कॉस थीटा बराबर है, तो यहाँ पर थीटा का मान आ गया 45। अब इसने पूछा साइन की पावर
फोर थीटा कॉस की पावर 4 थीटा, तो साइन थीटा यानी साइन की पावर 4 45, कॉस की पावर 4 45, साइन 45 का मान 1/2 की पावर 4, इसका भी मान 1/√2 की पावर 4, एक के ऊपर कितनी भी घात हो √2 की पावर 4 है तो ये 4 हो जाएगा, ठीक है, ये भी 1/4 हो जाएगा, हर समान है तो अंश आपस में जुड़ जाएंगे, 2/4 सॉल्व करने के बाद 1/2 आंसर आएगा, कितना आएगा 1/2 राइट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर यहाँ तक? बात क्लियर, उम्मीद है कि यहाँ तक क्लियर होगा सभी को। अब यहाँ पर हम करते हैं 14 नंबर क्वेश्चन, ठीक है, 14 नंबर किस तरीके से करेंगे तो उसको भी आप सभी लोग समझिए, ठीक है, 14 नंबर किस तरीके से करते हैं उसको देखिए। 14 नंबर में कह रहा है कि sec a प्लस tan a, कितना लिखा हुआ sec a प्लस का tan a, और दूसरे कोष्टक में कितना लिखा हुआ 1 माइनस sin a, 1 माइनस का sin a, sec a लिख देंगे 1/cos a, tan को लिख देंगे sin a/cos a, ठीक है, और दूसरे कोष्टक में लिख देंगे 1 माइनस का sin a, ठीक है, हर समान है तो cos a हो जाएगा, हर समान है cos a 1 प्लस sin a, ठीक है, और ये 1 माइनस का sin a, अब देख सकते हैं एक बार प्लस में एक बार माइनस में, तो 1 माइनस sin a² हो जाएगा, यानी a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर के फॉर्मूले से, तो cos a 1 माइनस sin a² को लिख सकते हैं cos²/cos a, cos से भाग दे देंगे केवल cos a बचेगा, केवल कितना बचेगा cos a बचेगा, तो आंसर हो जाएगा डी नंबर। बात क्लियर यहां तक? ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा थीटा का मान पूछा गया तो ज्ञात कर देंगे, कोई इश्यू नहीं है। अब किस तरीके से करेंगे 2 cos² 45° - 1 = cos θ, और cos 45 का मान होता है 1/√2² - 1 = cos θ, अब 2 1 का स्क्वायर 1 √2 का स्क्वायर 2 - 1 = cos θ, 2 से 2 में भाग जाएगा 1 - 1 = cos θ, ये 0 = कितना हो जाएगा cos थीटा, अब cos थीटा बराबर 0 है और cos में 0 कितने डिग्री का मान होता है cos 90 का, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, थीटा बराबर कितना हो जाएगा 90 डिग्री, क्योंकि cos में हमारा जो 0 मान होता है वो 90 डिग्री का, तो थीटा बराबर हो जाएगा 90 डिग्री। बात क्लियर, ये आपको त्रिकोणमिति मान सारे याद होने चाहिए। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 7 लिखा हुआ है इसमें, तो इसमें लिखा हुआ cot a बराबर 3/4, ठीक है, cot a बराबर जो लिखा हुआ है 3/4, 3/4, ठीक है, तो इसको tan a अगर लिख दिया जाए अपोजिट होता है तो 4/3 हो जाएगा, लाल बटे कक्का से लंब बटे आधार होता है, लंब बराबर 4 हो जाएगा, आधार बराबर 3 हो जाएगा, तो कर्ण तो चाहिए ही चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, आधार है हमारा 3 का स्क्वायर, लंब है 4 का स्क्वायर, हो जाएगा 9 + 16, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 + 16 हो जाएगा 25, वर्ग हटेगा तो √25 हो जाएगा, कर्ण बराबर हो जाएगा 5, ठीक है, कर्ण बराबर हमारा कितना हो जाएगा 5, तो sec a का मान पूछ रहा है, sec a का मान पूछ रहा है, तो sec a के पहले निकाल लो cos a, cos a बराबर हो जाएगा आधार बटे कर्ण हो जाएगा, आधार चूंकि हमारा जो दिया हुआ है वो 3 दिया हुआ है, कर्ण दिया 5, तो sec a जो होगा cos का अपोजिट हो जाएगा 5/3, क्या हो जाएगा 5/3, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर आप सभी को? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, फिर ऑब्जेक्टिव आया, मैंने बोला बहुत सारे ऑब्जेक्टिव इसमें लिखे हुए, बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्टिव ही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए हुए हैं इस बार से 2024 में, देखेंगे तो क्वेश्चन ठीक ठाक है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं आए थे। अब tan अल्फा बराबर साइन अल्फा कब बराबर होगा, जब tan अल्फा tan 0 होना चाहिए साइन 0, क्योंकि tan 0 का मान 0 साइन 0 का मान 0, अल्फा की जगह 0 डिग्री होना चाहिए, अल्फा की जगह कितना होना चाहिए 0 डिग्री होना चाहिए, ऑब्जेक्टिव है जल्दी करना है, अनावश्यक समय बिल्कुल नहीं लेना, ठीक है, बिल्कुल अनावश्यक समय नहीं लेना, एग्जाम में फटाफट फुर्ती से कर देना। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्या दे रहा हमारा बी नंबर करके लिखा हुआ, मैंने बोला क्रमबद्ध तरीके से क्वेश्चन नहीं मिलेंगे आपको, cot 2a बराबर tan a माइनस 22, जहां 2a न्यून कोण है, a का मान ज्ञात कीजिए, देखिए यार cot 2a बराबर tan a माइनस का 22, देखिए फॉर्मूला होता है tan 90 माइनस थीटा बराबर cot थीटा,
थीटा की जगह ये रहा, तो कॉट को टेन के रूप में लिखना है, तो टेन 90 माइनस थीटा की जगह पे 2a, यानी कि कॉट 2a को टेन 90 माइनस 2a लिख सकते हैं, टेन 90 माइनस थीटा कॉट थीटा, यानी कॉट 2a ही बच जाएगा, ठीक है, बराबर टेन a माइनस का 22, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे, 90 माइनस का 2a बराबर a माइनस का 22, ठीक है। अब कैसे करेंगे, 90 22 प्लस हो जाएगा और a ये 2a प्लस हो जाएगा, कितना हो जाएगा 2, और ये 11 हो जाएगा, ये 3 हो जाएगा, ठीक है, और 3 3 9, 3 6 12, तो ए बराबर आई थिंक कितना हो जाएगा, 34 हो जाएगा, और 2a बराबर अगर करेंगे तो 2 × 34 तो 68 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा, न्यून कोण, ठीक है, न्यून कोण हो जाएगा, बात क्लियर यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ तक हो गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन ये रहा हमारा, क्वेश्चन नंबर 4 करके लिखा हुआ है सर पे, ठीक है, तो सिद्ध करना है, तो LHS लेंगे फिलहाल में, तो हम जो लिस्ट लिखा हुआ है कॉसेक है माइनस साइन है, ठीक है, इनटू सेक है माइनस का कॉस है, ठीक है, बात क्लियर, तो कॉसेक की जगह सबसे पहले लिखेंगे 1/sin है। आप एक बात याद रखना, मैं कहीं पर भी फॉर्मूले नहीं लिख रहा हूं, आप फॉर्मूले एग्जाम पे शो करेंगे, ठीक है बच्चों, साइन है, मैं आपका क्रैश कोर्स कराने का मतलब ही यही है, सेक की जगह पे भी 1/cos है, 1/cos है माइनस का cos है, बटे में 1 लेंगे, बटे में 1 लेंगे, तो साइन ए लिखेंगे, और ये साइन स्क्वायर है, तो 1 − sin² है, और ये लिखेंगे हरों का लासा cos है, ठीक है, तो cos स्क्वायर है, 1 − cos² है, 1 − sin² है की जगह पे cos स्क्वायर है बटे साइन है, और 1 − cos² है की जगह पे साइन स्क्वायर है बटे cos है, एक cos से एक cos कट गया, एक साइन से एक साइन कट गया, cos है इंटू साइन है, या फिर साइन है इंटू cos लिख दिया जाएगा, ठीक है, बात क्लियर। इसके बाद RHS ले लेते हैं, तो 1/10 है प्लस cot है, tan की जगह पे लिख देंगे साइन है बटे cos है, और cot की जगह लिख देंगे cos है बटे साइन है, ठीक है, हरों का लाचा साइन है इंटू cos है, गुणा कर देंगे तो साइन स्क्वायर है, इन दोनों का गुणा कर देंगे तो cos स्क्वायर है, और आपको पता होना चाहिए साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1 रखते हैं, साइन इंटू कॉस है, ऊपर जाके पलट जाएगा, ऊपर जाएगा साइन इंटू कॉस है बटे 1, ठीक है, तो साइन इंटू कॉस है, ठीक है, तो देख सकते हैं ये था LHS, ये रहा RHS, अतः LHS बराबर RHS, ठीक है, ठीक है, यहां तक क्लियर। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन किस तरीके से करते हैं तो इसको भी समझ लीजिए बच्चों, तो लिखा हुआ है 3 tan है, कितना लिखा हुआ है, 3 tan ए बराबर 4, ठीक है, tan ए बराबर जो हो जाएगा वो हो जाएगा 4/3, यानी लंब बटे आधार, लंब कितना है 4, आधार कितना है 3, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है, तो आधार कितना है वो आपका 3 का स्क्वायर है, लंब कितना है 4 का स्क्वायर, ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 9 + 16, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर 9 और 16 25 हो जाएगा, तो कर्ण बराबर √25 हो जाएगा, तो कर्ण बराबर जो हो जाएगा हमारा 5 हो जाएगा, तो पूछा है क्या है इसमें सेक है, तो सबसे पहली चीज कॉस निकाल लीजिए, आधार बटे कर्ण होता है, आधार 3 और कर्ण 5, तो सेके जो हो जाएगा इसका अपोजिट हो जाएगा 5/3, ऐसे ही सेम क्वेश्चन पहले भी आया था, बस थोड़ा सा इंटरचेंजेस कर दिए गए, उसमें डायरेक्ट tan a बराबर दिया था, इसमें इनडायरेक्टली tan a बराबर दे दिया गया। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, तो अगला क्वेश्चन किस तरीके से होगा तो उसको भी समझ लेते हैं, ये रहा मेरे बच्चों,
ये रहा अगला क्वेश्चन, किस तरीके से करना उसको भी समझ लीजिए। अब ये लिखा हुआ है टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा बराबर 5 लिखा हुआ है, दोनों पक्षों का वर्ग कर दीजिए, टेन अल्फा प्लस कॉट अल्फा की पावर 2 बराबर 5 का वर्ग। अब ए प्लस बी का स्क्वायर लगाएंगे तो टेन स्क्वायर अल्फा हो जाएगा, बी का स्क्वायर यानी कॉट स्क्वायर अल्फा हो जाएगा प्लस 2ab, 2 tan अल्फा इंटू कॉट अल्फा बराबर 25 हो जाएगा। अब ये टेन स्क्वायर अल्फा प्लस का कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 tan अल्फा, ठीक है, कॉट अल्फा की जगह पे लिख दिया जाएगा, अपोजिट टेन का होता है 1/10 अल्फा, ठीक है, 1/10 अल्फा बराबर 25। ये टेन अल्फा से टेन अल्फा कट गया तो टेन स्क्वायर अल्फा, ठीक है, प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 2 बराबर 25, 2 पक्षांतर कर दिया जाएगा तो टेन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉट स्क्वायर अल्फा बराबर 25 माइनस 2 बराबर हो जाएगा 23, कितना हो जाएगा 23, कहाँ लिखा हुआ है, ऑप्शन सी, ठीक है। ये कुछ ऐसे यूनिक क्वेश्चन है जो आपको बुक्सों में नहीं देखने को मिलेंगे बट आपके एग्जामिनेशन पे देखने को मिल जाते हैं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, तो थीटा का मान होगा, यार एक बात बताओ ये दोनों कब बराबर होंगे, ये दोनों कब बराबर होंगे, तो चेक कर लेते हैं भाई। तो साइन थीटा बराबर कोसेक थीटा, साइन और कोसेक कब बराबर, जब साइन 90 कर दिया जाए, कोसेक 90 कर दिया जाए, साइन 90 का मान एक, कोसेक 90 का मान एक, दोनों बराबर हो जाएंगे 90 यानी कि पाई बाई 2, क्योंकि पाई बराबर होता है 180, ठीक है, पाई बाई 2 का मतलब है कि 180/2 यानी 2 से भाग दे दिया जाएगा 90, आंसर क्या हो जाएगा सी नंबर, बात क्लियर। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आते हैं, ये लिखा हुआ पुनः से, ठीक है, अभी जस्ट कर चुके हैं इसको, अभी जस्ट कर चुके हैं इसको, कितना आएगा 1/2, पहले भी कर चुके हैं इसको, जस्ट पहले कर चुके हैं, ये रिपीटेड क्वेश्चन हो गया, 2 क्वेश्चन रिपीटेड हो गया इसमें, ठीक है, चलिए छोड़ देते हैं इसको, कर चुके हैं ऑलरेडी। अब ये रहा, अब ये रहा, ये किस तरीके से करना है इसको समझते हैं। देखो यार कोसेक थीटा बराबर 2 लिखा, यानी कि कोसेक में जो 2 मान होता है वो कोसेक 30 का होता है, तो थीटा बराबर निकल आया 30 डिग्री, या तो ऐसे करेंगे एग्जाम में या लंबाधार से करेंगे। अब इसका मान चाहिए तो कॉट 30 प्लस साइन 30 प्लस कॉस 30, कॉट 30 का मान, टेन 30 का मान 1/√3, तो कॉट 30 का केवल √3 हो जाएगा, साइन 30 का 1/2 और कॉस 30 का मान √3/2, ठीक है, तो कितना हो जाएगा √3 प्लस का 1/2, हरों का लासा 2+√3, 2+√3/2, 2 से 2 में भाग देंगे, √3 प्लस का 1/2+√3, अब हरों का लासा कितना ले लिया जाए, 2+√3, तो इन दोनों का गुणा √3, तो 2+√3, 2+√3, 2+√3 1 बार, तो ऊपर 1 बचेगा, गुणा कर देंगे तो 2√3, √3 3 हो जाएगा, प्लस का 1/2, 2+√3, ये 3 और 1 4 हो जाएगा, 4+√3, ठीक है, 2+√3, ऊपर 2 कॉमन ले लेंगे तो बचेगा 2+√3, और नीचे भी लिखा हुआ है 2+√3, एक्चुअली ये दोनों कट जाएंगे तो बचेगा 2, ठीक है, तो हमारा कुल मिला के जो आंसर आया कॉट थीटा प्लस का साइन थीटा 1+ कॉस थीटा का जो आंसर आया वो 2 आ जाएगा, बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है इसको समझ लीजिए। चलिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन, ये भी रहा, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, ठीक है, ये सिद्ध करने वाला क्वेश्चन है, तो किस तरीके से करना, तो LHS लेते हैं, साइन थीटा प्लस का कोसेक थीटा की पावर 2, इसके बाद कॉस थीटा प्लस का सेक थीटा की पावर 2, ए प्लस बी का स्क्वायर,
ए का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, बी का स्क्वायर यानी कि कॉसेक स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा इंटू कॉसेक थीटा। ये तो एनसीईआरटी का ही क्वेश्चन है। यहाँ पर भी प्लस बी का स्क्वायर यानी कॉस स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा प्लस का 2 cos थीटा इंटू सेक थीटा। आपको एक बात याद रखना है कि टेन थीटा और कॉट थीटा का जो गुणा होता है वो हमेशा एक आता है। इसी प्रकार कॉस थीटा और सेक थीटा का जो गुणा आता है वो भी एक आता है। इसी प्रकार से याद रखना है साइन थीटा और कॉसेक थीटा का जो गुणा आता है वो हमेशा एक आता है, क्योंकि एक दूसरे के क्या होते हैं, अपोजिट्स होते हैं। ठीक है, और कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा होता है, और सेक स्क्वायर थीटा बराबर होता है 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा होता है, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर जो होता है वो भी मान एक होता है। ठीक है, तो देखिए साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेता हूँ मैं, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा को एक साथ ले लेता हूँ, साथ ही साथ मैं कॉसेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा रखता हूँ, क्योंकि सिद्ध करने वाले में टेन कॉट ही बस है। ठीक है, और प्लस का 2, इन दोनों का गुणा 1 हो जाएगा, कॉस स्क्वायर चला गया, सेक स्क्वायर की जगह पे 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा रख देंगे और 2 cos और sec का गुणा 1 हो जाएगा। ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा की जगह 1, ये 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा, ठीक है ये 2, ये 1 प्लस का टेन स्क्वायर थीटा, ठीक है और ये 2। सबसे पहले 7 लिखा हुआ, 1, 2, 4, 5 तो 7, इसके बाद टेन स्क्वायर लिखा है तो ये लिखा हुआ टेन स्क्वायर थीटा, इसके बाद लिखा हुआ कॉट स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो आर एच एस प्रूव्ड हो जाएगा, क्या हो जाएगा, आर एच एस इस तरीके से प्रूव हो जाएगा। बात क्लियर, यहां तक होने के बाद अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ठीक है, अरे बहुत बढ़िया, ये बहुत बढ़िया यूनिक क्वेश्चन आए, मजा आने वाला है, अब तो मजा ही आने वाला है। लिखा हुआ है पी साइन थीटा बराबर क्यू कॉस थीटा, कॉसेक थीटा पूछा गया, साइन थीटा लिखा हुआ है ना, कॉस को इस तरफ लेके आइए बटे में आ जाएगा, ये क्यू लिखा है ना बटे में पी लेके जाइए, साइन बटे कॉस टेन थीटा हो जाएगा बच्चों, क्या हो जाएगा टेन थीटा क्यू बटे पी, है ना क्यू बटे पी। अब हमें पूछा है कॉसेक थीटा, कॉसेक थीटा चाहिए, तो टेन थीटा के अकॉर्डिंग होता है लंब बटे आधार होता है, कर्ण चाहिए, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यानी कि आधार पी का स्क्वायर प्लस क्यू का स्क्वायर, वर्ग घटेगा तो अंडर रूट में आ जाएगा पी का स्क्वायर प्लस का क्यू का स्क्वायर, बहुत बढ़िया। साइन थीटा बराबर जो हो जाएगा लंब बटे कर्ण, है ना, तो साइन थीटा बराबर लंब जो हो जाएगा हमारा क्यू है और कर्ण हमारा पी स्क्वायर प्लस का क्यू स्क्वायर, लेकिन पूछा इसने कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा क्या होता है, साइन का अपोजिट होता है, तो पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर अंडर रूट में ऊपर जाएगा बटे में क्यू आ जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा। आप ऊपर जो लिखा हुआ पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर बटे क्यू, ये ऑप्शन ही हो जाएगा। बहुत प्यारा क्वेश्चन है, क्लियर ना सभी को, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये लो एक और नया यूनिक क्वेश्चन आ गया जो भी आपकी बुक में नहीं है, चलिए ये पहले पुरानी बुक्स में हुआ करता था बट अब नहीं है। कितना लिखा हुआ है, टेन 1 डिग्री, टेन 2 डिग्री, टेन 3 डिग्री, टेन 88 डिग्री, टेन 89 डिग्री, ऐसा कुछ लिखा हुआ है इस तरीके का। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं आंसर एक आना है, कितना आंसर आना, एक आना। इस तरीके के अगर कोई भी त्रिकोणमिति में सवाल दिख जाए जो आपके आउट ऑफ सिलेबस है तो प्रायः उसका एक आंसर देखने को मिलेगा। टेन जो एक लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 89, है ना, एक ही तो बचेगा। टेन 2 जो लिखा हुआ है इसको लिख सकते हैं 90 माइनस 88, है ना, ऐसे ही ये लिखा हुआ है टेन 88 और ये टेन 89। ठीक है, और चूंकि फॉर्मूला होता है टेन 90 माइनस थीटा बराबर और थीटा, ठीक है, तो ये हो जाएगा कॉट 89, ये कॉट 88, टेन
88, 10, 89। कॉट का अपोजिट 10 हो जाएगा, तो 10, 89 और 10, 88, 10, 88, 10, 89। देखिए ये कट गया, ये कट गया, ऐसे ही सारे कटने के बाद एटलीस्ट बचना एक आंसर, ठीक है? तो डी नंबर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये रहा सिद्ध करने वाला, एलएचएस लेते हैं इसमें भी। तो किस तरीके से किया जाएगा, तो इसको समझिए। लिखा हुआ है 1 प्लस का साइन थीटा, लेना क्या एलएचएस बटे कॉस थीटा, प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस का साइन थीटा। कुछ नहीं कर सकते, केवल हरों का लासा ही ले सकते हैं, और इसी के अकॉर्डिंग ये सॉल्व भी होगा। तो इन दोनों का गुणा हो जाएगा 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर हो जाएगा, और इन दोनों का जो गुणा हो जाएगा ये कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा। ए प्लस बी का स्क्वायर ए का स्क्वायर, और बी का स्क्वायर यानी साइन स्क्वायर थीटा, प्लस 2ab यानी 2 sin थीटा, ठीक है? प्लस का कॉस स्क्वायर थीटा बटे कॉस थीटा, 1 प्लस का साइन थीटा। तो साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा एक साथ आ जाएगा, क्योंकि इसका मान ही एक होता है। अभी भी मैं आप सभी को दोहरा दूं कि मैं फॉर्मूले नहीं लिखवाता हूं, मैं इनमें आपको फास्ट रिवीजन करा रहा हूं। फॉर्मूले आपको एग्जाम में जरूर लिखने हैं, ठीक है? इसकी जगह पे एक लग रख देंगे 1 प्लस 1, क्योंकि मान ही एक होता है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा का प्लस का 2 sin थीटा, ठीक है? बटे में जो हो जाएगा वो लिखा हुआ है कॉस थीटा, और 1 प्लस का साइन थीटा। ये 1 और 1 2 हो जाएगा, प्लस 2 sin थीटा, ठीक है? बटे कॉस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा। ऊपर 2 कॉमन आ जाएगा, तो 1 प्लस का साइन थीटा, ठीक है? बटे कॉस थीटा 1 प्लस का साइन थीटा। और 1 प्लस साइन थीटा 1 प्लस साइन थीटा, तो 2 बटे कॉस थीटा। कॉस ऊपर जाएगा तो सेक में बदल जाएगा, यही तो सिद्ध करना था। तो एलएचएस लेके आरएचएस हमने प्रूव्ड कर दिया। बात क्लियर बच्चों? तो ये रहा हमारा इस तरीके से इसका सॉल्यूशन, ठीक है? आगे अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो लिखा है 2 tan 45, 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan² 45। 45 का मान एक होता है, एक का स्क्वायर 2 बटे 2, कुल मिला के एक आंसर। प्रायः त्रिकोणमिति में जब कुछ समझ में ना आए, एक और जीरो आंसर आता है, एक ज्यादातर आएगा या फिर जीरो आएगा। जीरो जोड़ घटाने की स्थिति में अगर लिखे हैं पार्ट, तो जीरो आएगा, और भाग और गुणे के रूप में लिखा है, तो प्रायः एक आंसर देखने को मिलेगा, ठीक है? अगले क्वेश्चन की तरफ फिर से ही आ गया। 15 cot θ = 8, कितना लिखा हुआ है, 15 cot θ = 8। cot θ = कितना हो जाएगा, 8 बटे 15। इसको 10 में कन्वर्ट कर दीजिए, 15 बटे 8, ये लंब और ये आधार। तो कर्ण कितना हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर, ठीक है? लंब कितना है, 15 का स्क्वायर, आधार है 8 का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा 225 प्लस 64, कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा 289, अंडर रूट 289 हो जाएगा, और 289 का जो वर्गमूल होता है वो 17 होता है। अब पूछा क्या, साइन थीटा, साइन थीटा बराबर लंब बटे कर्ण, और लंब कितना है, लंब एक्चुअल है 15, कर्ण है 17, 15 बटे 17, कितना, 15 बटे 17। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। बात क्लियर? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। साइक थीटा बराबर 2 है ना, कॉस 60 का मान होता है 1 बटे 2। तो साइक थीटा बराबर 2, साइक में 2 कब मान होता है, जब थीटा की जगह पे 60 डिग्री, कितना, क्योंकि कॉस 60 का जो मान होता है वो 1/2 होता है, तो sec 60 का जो मान होता है वो इसका अपोजिट हो जाएगा, ठीक है? तो बी नंबर हो जाएगा करेक्ट आंसर।
चलिए अब अगला क्वेश्चन ये रहा। अब ये किस तरीके से करना है इसको भी देख लेते हैं। यहां लिखा हुआ है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा की जगह पे जो एक्चुअल में आपसे बोलूं कि फॉर्मूला होता है कि कॉसेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस का कॉट स्क्वायर थीटा। तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर बचा कितना, एक, केवल एक बचा 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा होता है साइन स्क्वायर थीटा। तो इस तरीके से आंसर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बात क्लियर। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कॉट ए बराबर बी बटे ए, चलिए कितना लिखा हुआ है, कॉट ए बराबर बी बटे ए लिखा हुआ है, कितना लिखा हुआ है, बी बटे ए लिखा हुआ है। तो कॉट ए बराबर बी बटे ए, या टेन ए लिख दिया जाए ए बटे बी हो जाएगा, ये लंब हो जाएगा या आधार हो जाएगा। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। तो कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार हो जाएगा, बी का स्क्वायर लंब हो जाएगा ए का स्क्वायर। ठीक है, तो कर्ण का स्क्वायर बराबर जो हो जाएगा ए का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर। बात क्लियर। और कर्ण बराबर जो हो जाएगा अंडर रूट में ए का स्क्वायर प्लस का बी का स्क्वायर हो जाएगा। बात क्लियर। अब बी सिद्ध करना है, सिद्ध करना है बी सेक थीटा। ठीक है, बी सेक थीटा बटे ए कॉसेक ए, बी सेक थीटा की जगह पे कितना रखेंगे, ये हो जाएगा आधार बटे कर्ण से कर्ण बटे आधार। ठीक है, ये साइन साइन थीटा बराबर होता है लंब बटे कर्ण, है ना, ये कर्ण बटे लंब हो जाएगा। अब कर्ण कितना, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। आधार कितना, आधार तो बी है बटे कर्ण कितना, ए का स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और लंब कितना, लंब तो ए है, ए से ए कट गया, बी से बी कट गया, ऊपर से ऊपर ये कटने के बाद कुल मिला के एक, और आर एच एस प्रूव्ड हो जाएगा। इस तरीके से सिद्ध कर सकते हैं। बात क्लियर। ठीक है, अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन क्या रहने वाला है इसको भी देख लीजिए। चलिए, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन मैंने निकाल के रखे, क्या करके रखे, ये मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चन निकाल के रखे। अभी तक हमने जितने क्वेश्चन किए सब 2024 में आए हुए थे, ये एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है और ये आने के चांसेस है इस साल आपके। ठीक है, कह रहा है यदि कोण बी बराबर बी और क्यू ऐसे न्यून कोण है जिसमें साइन बी बराबर साइन क्यू। ठीक है, अब दोनों न्यून कोण है तो समकोण त्रिभुज ड्रा कर सकते हैं, क्या कर सकते हैं, समकोण त्रिभुज ड्रा कर सकते हैं, ये बी और ये क्यू। ठीक है, और इसको ए मान लेते हैं, माना कोण ए बराबर 90 डिग्री। बी और क्यू न्यून कोण बोले ना, बोल दिए ना, तो समकोण त्रिभुज के मान सकते हैं ये दोनों, और ये ए अपने मन से मान सकते हैं 90 डिग्री। ठीक है, बोला ना कोण बी और क्यू ऐसे न्यून कोण हो, बी और क्यू न्यून न्यून कोण है, और इसमें दे कितना रहा, साइन बी बराबर साइन क्यू, होता क्या लंब बटे कर्ण, बी के अकॉर्डिंग लंब ये रहा ए क्यू, और कर्ण बदलता नहीं है कभी। ठीक है, और इसके बाद क्यू के अकॉर्डिंग, ये भी लंब बटे कर्ण होता है ना, क्यू के अकॉर्डिंग लंब कितना रहेगा ए बी, और कर्ण कभी बदलता नहीं है, बी क्यू से बी क्यू कट गया, तो ए क्यू बराबर कितना हो जाएगा ए बी। अब क्या दे रहा हूँ, ए क्यू और ए बी बराबर, तो बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या लिखेंगे, अतः बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण समान होते हैं, क्या होते हैं, समान होते हैं। तब ए क्यू के जो सामने की भुजा, ए क्यू के सामने का जो कोण है बी, और ए बी के जो सामने का कोण है क्यू। ठीक है, साइन बी बराबर साइन क्यू दे रहा था, ये प्रूफ करने के लिए बोल रहा था, तो समकोण त्रिभुज के कॉन्सेप्ट से हम
कर सकते हैं, क्योंकि जब साइन कॉस टैन कॉट कॉसेक कुछ किसी भी त्रिकोणमितीय फलन की बात आती है तो आपके दिमाग में तत्काल में समकोण त्रिभुज जरूर आना चाहिए। और फिर न्यून कोण बोले थे बी क्यू, तो समकोण त्रिभुज के पार्ट मान सकते हैं ये दोनों, इसको अपने मन से मान लिया, सिद्ध हो गया ना बी बराबर क्यू, बात क्लियर। अगला क्वेश्चन तीसरा नंबर, ये मैंने स्वयं से निकाले हुए क्वेश्चन है, आपको चार क्वेश्चन एक्स्ट्रा मैंने स्वयं से किया। तो टेन, हालांकि है आपके एनसीईआरटी के, टेन ए प्लस बी बराबर कितना है, रूट तीन, और टेन में जो रूट तीन होता है वो कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, कितने डिग्री का मान होता है, 60 डिग्री का, ए प्लस बी बराबर कितना है, 60 डिग्री, और टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3, टेन ए माइनस बी बराबर 1/√3 है ना, टेन में जो 1/√3 होता है वो कितने डिग्री का मान होता है, वो 30 का मान होता है, टेन 30, तो ए माइनस बी बराबर कितना हो गया, 30 डिग्री। ये क्वेश्चन सेकंड, क्वेश्चन पे कह रहा है इस तरीके से दिया हुआ है, और ए प्लस बी का जो मान है 0 से ज़्यादा है लेकिन 90 के बराबर या उससे कम है, ज़्यादा नहीं है, ए का मान बी से ज़्यादा है, ए और बी के मान ज्ञात करना, तो क्वेश्चन फर्स्ट सेकंड को जोड़ने पर क्या लिखेंगे, समीकरण 1 व 2 को जोड़ने पर, 1 व 2 को, 1 व 2 को जोड़ने पर, ठीक है। अब इनको जोड़ते हैं तो ए प्लस बी बराबर जो दे रहा है मेरे बच्चों वो 60 डिग्री दे रहा है, और ए माइनस बी बराबर दे रहा है 30 डिग्री, सॉल्व करेंगे कट जाएगा, 2a बराबर हो जाएगा 90, 2 से भाग देंगे a बराबर बचेगा 45, और a का मान यहाँ पर रख देंगे 45 प्लस बी बराबर 60, तो b बराबर जो हो जाएगा वो होगा 60 माइनस का 45, तो b बराबर जो हो जाएगा 15 डिग्री, तो देख सकते हैं, तो अतः a प्लस बी कितना हो जाएगा, 45 और 15 60, तो इसका जो 60 का मान है वो 0 से ज़्यादा है, 90 के बराबर या उससे कम है, और a का मान b से ज़्यादा है, ठीक है। तो ये जो करेक्ट आंसर हो जाएंगे, a बराबर हमारा 45 और b बराबर 15 डिग्री, करेक्ट आंसर हो जाएगा, बात क्लियर। ये कॉन्सेप्ट भी हमने लाई कर दिया इसमें, ठीक है। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये रहा अगला क्वेश्चन, जैसे कि कह रहा है कॉसेक स्क्वायर ए बराबर 1+cot² ए को लागू करके इतना सिद्ध करना है, ठीक है, सिद्ध करते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं, किस तरीके से करते हैं वो भी समझ लेते हैं। देखिए मेरे बच्चों, यहाँ पर जो लिखा हुआ है LHS लेते हैं, ठीक है, कॉस ए माइनस का साइन ए प्लस का 1/ कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1, इस फॉर्मूले के यूज़ करना तो ऊपर कॉसेक और कॉट ही होना चाहिए, ठीक है। तो करना किस तरीके से, यहाँ लिखेंगे आंश तथा हर में साइन ए से भाग करेंगे तो कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1/ साइन ए, ये स्थिति बनेगी 1/ में, कॉस ए प्लस का साइन ए माइनस का 1/ साइन ए स्थिति बनेगी। अब इसके आगे जो आ जाएगा वो कॉस ए 1/ साइन ए आ जाएगा, और माइनस साइन ए 1/ साइन ए आ जाएगा, प्लस 1/ साइन ए आ जाएगा, सेम नीचे कॉस ए 1/ साइन ए, कॉस ए 1/ साइन ए प्लस साइन ए 1/ साइन ए माइनस 1/ साइन ए। सबसे पहले इस रूप में चेंज होना भी तो ज़रूरी है। अब देखिए कॉस ए 1/ साइन ए कॉट ए हो जाएगा, ठीक है, साइन ए से साइन ए कट गया, माइनस 1 1/ साइन ए कॉस ए के हो जाएगा, 1/ कॉस ए 1/ साइन ए तो कॉट ए हो जाएगा, साइन ए से साइन ए कट गया, प्लस का 1 बचेगा, माइनस का 1/ कॉस ए के, बात क्लियर। अब हमें क्या करना है, यहाँ पर एक्चुअल हमें करना है कि चूंकि कॉस एक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए बराबर 1 यूज कर सकते हैं, है ना। अब
कहाँ पे यूज कर सकते हैं इसको भी समझिए। हमें एक रखना है, एक की जो वैल्यू है ये रख देना है, ये सूत्र वही है जो ऊपर लिखा हुआ, वही फॉर्मूला है, ठीक है। तो क्या करना है, बच कितना रहा सिद्ध करने के बाद, ये पार्ट सिद्ध करना है ना। तो कॉट है, या पहले लिखते हैं कॉसेक है प्लस का कॉट है माइनस का वन, ठीक है। कॉसेक के कॉट है माइनस का वन, और नीचे कितना लिखा हुआ है, कॉट है प्लस का वन माइनस का कॉसेक है। अब वन एक वन की प्लेस पे मान रख देंगे, बस थोड़ा सा ये चालाकी इस सवाल पे याद रखनी है आप सभी को, वन की जगह पे क्या रख देना है, कॉसेक स्क्वायर है माइनस का कॉट स्क्वायर ए बटे कॉट ए प्लस का वन माइनस का कॉसेक है। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला लग जाएगा, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है, माइनस एक बार प्लस में तो कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, और एक बार माइनस में कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और बटे में क्या लिखा हुआ है एग्जैक्ट लिख दीजिए, कॉट ए प्लस का वन माइनस का कॉसेक है। अब इसके आगे जो लिखा जाएगा वो कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन आ रहा, कॉसेक ए प्लस कॉट ए दोनों में कॉमन आ रहा है, तो बचेगा कितना, वन माइनस माइनस कॉसेक ए माइनस का कॉट ए बटे कॉट ए प्लस वन माइनस कॉसेक ए, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ठीक है, वन माइनस गुणा कर देंगे तो माइनस का कॉसेक ए माइनस माइनस प्लस का कॉट ए, ठीक है, बटे में कॉट ए प्लस का वन माइनस का कॉसेक ए। देखिए ये एक ही चीज है, वन प्लस का है कॉट प्लस का है कॉसेक माइनस का, ये कट जाएगा, बचेगा केवल कितना, कॉसेक ए प्लस का कॉट ए, ठीक है। यही तो आरएचएस प्रूव करना था, और सर्वसमी का जो फॉर्मूला दिया था उसका यूज भी कर लिया हमने, ये भी यूज किया ना, यही तो सूत्र था, इसी सर्वसमी का यूज करना था, बात क्लियर है ना। बाकी अगर समझ में नहीं आता तो वीडियो बैक करके देख लेना, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, और ये रहा एक ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको सॉल्व करने के लिए क्या करना है, इसको भी देख लीजिए, एलएचएस लेते हैं, वन प्लस का साइन है और वन माइनस का साइन है, अंडर रूट के अंदर लिखा ना, यहां लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर, ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे, वन प्लस का साइन है, हर का जो परिमेयकरण होगा याद रखना ये अंडर रूट के अंदर ही हर का परिमेयकरण होगा, तो वन प्लस साइन है, जो नीचे संख्या लिखी रहती है ना उसका चिन्ह बदल देते हैं बीच का, तो वन प्लस साइन है हो जाएगा, वन प्लस साइन है का होल स्क्वायर, एक बार माइनस एक बार प्लस में, एक का स्क्वायर माइनस साइन ए स्क्वायर, तो वन प्लस साइन ए का होल स्क्वायर बटे वन माइनस साइन स्क्वायर है, ठीक है। इसके बाद वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे, वन माइनस साइन स्क्वायर ए की जगह पे कितना हो जाएगा, कॉस स्क्वायर ए हो जाएगा, ठीक है, दोनों स्क्वायर हैं खत्म हो जाएंगे, तो वन प्लस साइन है बटे कॉस है, ठीक है। अब एक बटे कॉस है, एक बटे कॉस है, और साइन है बटे कॉस है, ठीक है, वन अपॉन कॉस है की जगह पे सेके लिख सकते हैं, साइन बटे कॉस की जगह पे टेन लिख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको अभी भी बताया अंतिम तक, और कई बार मैंने आपको एक बात क्लियर की कि बेटा मैं फॉर्मूले नहीं करा रहा हूं, मैं डायरेक्ट सॉल्यूशन करा रहा हूं हर बार आपका। तो इस तरीके से आठवें चैप्टर का सॉल्यूशन हो गया समाप्त। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर देना, लाइक कर देना वीडियो को, डिस्क्रिप्शन पर जाकर 14 दिन का क्रैश कोर्स देख लेना,
और भी चैप्टर पिछले 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 जितने, इन सबका सॉल्यूशन देख लेना। ठीक है बच्चों, मिलते हैं अब हम नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी बच्चों को बाय बाय, टेक केयर एंड गुड लक बच्चों।